साथियों क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ मैं। 100 मीटर, ये क्वेश्चन दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 के पेपर में आया हुआ था। 18 तारीख को शायद पेपर था, उसमें आया हुआ था। तो एमपी कांस्टेबल 2016 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आगे भी यहाँ पर आपके लिए आएंगे। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे। क्वेश्चन है, 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर कितने संकीर्णित वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 100 मीटर है। कितनी है दोस्तों, 100 मीटर, ठीक है। त्रिज्या मतलब होता है दोस्तों केंद्र से उसके परिधि के बीच की दूरी। आप इसको कहीं भी ले सकते हैं, सेम आयु के वृत्त गोल होता है और केंद्र उसके बीच का पॉइंट होता है। तो उसने दिया है कि 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर कितने संकेंद्रित वृत्त बनाए जा सकते हैं। दोस्तों संकेंद्रित वृत्त का मतलब होता है कि जो केंद्र है ना, वो सबका यही होगा, ठीक है। तो इसके चारों तरफ, इसके अंदर कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन ये है। तो क्या होगा, जैसे ये वाला पॉइंट दिया है, तो यहाँ से देखिए कितने वृत्त बना सकते हैं। यहाँ से अगर मैं थोड़ी त्रिज्या कम कर लूँगा, जैसे 100 है, 99.99 कर लूँगा, और कम कर लूँगा, ठीक है। तो ये वृत्त, उसका ये कहना है कि ऐसे कितने वृत्त बना सकते हैं, इसका केंद्र यही हो। तो दोस्तों आप इसमें कितने वृत्त बना सकते हो, नमें देख रहे हो, हजारों वृत्त बना सकते हो, लाखों वृत्त बना सकते हो। मतलब दोस्तों इसका मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ। इसका ऑप्शन ए था, क्या था दोस्तों, इसका ऑप्शन ए था 100, ऑप्शन बी था इसका 10, ऑप्शन सी था इसका 50, और ऑप्शन डी था इसका अनंत। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि एक केंद्र के पार और इस वृत्त के अंदर ऐसे कितनी भी वृत्त बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, अनंत होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं आपके लिए, जैसे कि एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, एक त्रिभुज के अंदर हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं। तो दोस्तों अनंत अनंत त्रिभुज बना सकते हैं, कितने भी त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पेपर में, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज टफ हो जाती है। संकेंद्रित उसमें दिया है, संकेंद्रित, अब ये क्या होता है, संकेंद्रित मतलब जिसका केंद्र एक ही हो। तो ऐसे कॉन्स्टेबल में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।